हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स का बुक है, उसमें फिफ्थ चैप्टर है फ्रैक्शंस, उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 22 है, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट नंबर 20 और 21 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ही डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनकी एडिशन, वो फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, राइट। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करना है, वो हम लोग ये प्रॉब्लम सेट में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो मैंने क्वेश्चन वन बोर्ड पे लिखा है, ऐड करना है सब। 1/8 + 3/4, 8 and 4 सेम नहीं है तो क्या करें, सेम करना पड़ेगा। ऑब्जर्व, 4 के टेबल में 8 आता है, मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8 और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, कुछ भी कह सकते हो। ओके, ठीक है, तो 8 को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो फ्रैक्शन वैसा ही रखो। लेकिन ये 4 को हमें 8 करना पड़ेगा, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना ही पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी, वो तो आपको पता है अभी, राइट। So, अभी क्या है, 1/8 + 3 × 2 = 6/4 × 2 = 8। अभी 8 हो गया तो सिंपल है। अभी क्या करना है, ऊपर के नंबर सिर्फ ऐड करने हैं और नीचे कॉमन 8 देना है। आंसर इज 7/8 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर भी ऑब्जर्व करो, पहले डिनोमिनेटर के पास ही जाओ, उसको ही ऑब्जर्व करो। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21 क्योंकि 21 7 के टेबल में आता है। ओके, 2/21 को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही लिखो। लेकिन ये 3/7 को 21, ये 7 को 21 करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 3, ऊपर भी सेम। सो 2/21 + 9/21, तो अभी 21 सेम हो गया, राइट, इधर इक्वल टू देना जरूरी है। तो अभी क्या करना है, 2 + 9 को एडिशन करो, नीचे कॉमन 21, सो इट इज 11/21, करेक्ट। सो सिंपल, इजंट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व द नंबर्स हियर, डिनोमिनेटर में जो नंबर है ऑब्जर्व करो, 5 और 3, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें भी सिंपल है। ये 5 के पास 3 नहीं है तो 3 दे दो, क्योंकि उनका एलसीएम, जब भी नंबर में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है, दे आर को प्राइम्स इन शॉर्ट, तभी उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 5 × 3 = 15 उनका एलसीएम रहेगा। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से 5 के पास 3 नहीं है तो 3 दे दो, 3 के पास 5 नहीं है तो उसको 5 दे दो। सो दे दिया इधर 1/3, उसके पास 5 नहीं था तो दोनों को 5 दे दो, तो ये आ गया 6/15 + 5/15। अभी दोनों का 15 तो इजी, 6 + 5/15 एक कॉमन, सो इट इज 11/15। सो सिंपल, इजंट इट। सेम इधर 7 और 2, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, फैक्टर निकालो 7 के 2 के, कुछ कॉमन नहीं, नहीं दिया को प्राइम्स, तो 7 को 2 दे दो दोनों साइड, और 1/2 है उसको दोनों को 7 दे दो, इजी। 4/14 + 7/14, अभी 14 हो गया, अभी इजी। ऊपर के नंबर ऐड करो, नीचे कॉमन दे दो, 11/14 इज आवर आंसर। सो सिंपल, इन शॉर्ट हम लोगों ने 7 × 2 करके उनका एलसीएम निकाला, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है ऐसे। अभी 7 और 21 में 7 कॉमन है, 7 के टेबल में 21 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, वैसे ही 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, दे आर को प्राइम्स। ओके, जब भी कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, कभी कभी एक आधा फैक्टर कॉमन होता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता, फिर भी कुछ भी फैक्टर कॉमन होता है, लेकिन इसमें तो एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो तभी उनका मल्टीप्लीकेशन इज देयर एलसीएम। तो अभी ऐसे करना है, इसके पास 3 नहीं है तो 3 दे दो दोनों को, 5 नहीं है तो 5 दे दो दोनों को, करेक्ट।
सेम वे वी हैव डन फोर, फोर भी सेम वे किया है हम लोगों, ये भी तो सेम ही है, नाइन और फाइव कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे दो थ्री अपॉन नाइन को दोनों तरफ फाइव दे दो और इसको नाइन दे दो, फिफ्टीन अपॉन फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर्टी फाइव एड करो, फोर्टी टू अपॉन फोर्टी फाइव, दिस इज द आंसर। कितना इजी है कि नहीं, एडिशन तो कर दिया, अभी आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, मैंने सब्ट्रैक्शन के सारे सम्स बोर्ड पे लिखे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन तो वेरी इजी, 10 10 तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ऊपर के नंबर की सब्ट्रैक्शन, नीचे कॉमन एक 10, सो 2 अपॉन 10 इज द आंसर। कितना इजी, ये भी इजी है, 4 एंड 2, 2 के टेबल में 4 आता है तो 4 को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही लिखो, ये 2 को हम लोग 4 करेंगे इंटू 2 करके, इधर भी इंटू 2 करना पड़ेगा नहीं तो वैल्यू चेंज, राइट। सो ये ऐसा ही रखेंगे, 2 अपॉन 4 आ गया, ये अभी दोनों 4 4 है तो इजी है, ऐसे सेम फर्स्ट जैसे, तो 3 माइनस 2 अपॉन 4, सो इट इज 1 अपॉन 4, so easy, isn't it? Same here, 7 के टेबल में 14 आता है, सेम ऐसे ही सेकेंड जैसा ही है, सो ये 14 वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसा ही लिखो, और 2 अपॉन 7, 7 को 14 बनाना है तो इंटू 2, इधर भी इंटू 2, सो क्या आएगा, 6 अपॉन 14 माइनस 4 अपॉन 14, सो अभी 14 14, सो वेरी इजी, ऊपर के नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन 14 एक बार दे दो, सो 2 अपॉन 14 इज द आंसर, सो इजी। चलो ये थोड़ा अलग है, 6 5 के टेबल में नहीं आता है, 5 6 के टेबल में नहीं आता है, उनके पास एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है, दे आर को प्राइम, ओके, तो क्या करना है, 6 को 5 दे दो, 5 को 6 दे दो, सिंपल 4 अपॉन 6, इन दोनों को इंटू फाइव दे दो, ये 3 अपॉन 5 है, इंटू सिक्स दे दो, क्योंकि उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, दैट इज प्रोडक्ट, ओके, सो दैट इज 30, सो 4 इंटू 5 20 अपॉन 30 आ गया इधर, माइनस 18 अपॉन 30, अभी सिंपल दोनों 30 30 है, सो 20 माइनस 18 ऊपर और कॉमन 30 नीचे, so it is 2 upon 30, very simple, isn't it? वैसे ही 7 और 4, 7 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 7 के टेबल में नहीं आता है, उनके पास कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, they are co-primes, so उनकी मल्टीप्लीकेशन विल बी देयर LCM, तो क्या करना है, 7 को 4 दे दो और ये 4 वाले फ्रैक्शन को 7 दे दो, 8 अपॉन 28 माइनस 7 अपॉन 28, अभी सिंपल हो गया है कि नहीं, 8 माइनस 7 अपॉन 28, सो इट इज 1 अपॉन 28, कितना इजी है कि नहीं, वेरी वेरी इजी, कौन से भी नंबर दे दो अभी आना चाहिए, बराबर, हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 22 हो गया, कितना इजी था बच्चे लोग, है कि नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जो वीडियो की लिंक है फ्रैक्शन वाले वीडियो की वो दे रही हूं, प्लीज चेक इट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट लेके मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो क्या करना है, मैं हमेशा बोलती हूँ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, जरूर शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ओके, आई विल कम वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टडी वेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज करेक्ट, एंजॉय स्टडी, बाय।